इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं। बात छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग को लेकर करते हैं, जहां दोनों ही राज्यों में पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि मिजोरम की बात की जाए 40 सीटों पर वोटिंग जारी। आज बस्तर संभाग में 12 सीटों पर वोटिंग हो रही है। राजनांदगांव लोकसभा की 8 सीटों पर वोटिंग, यानी राजनांदगांव जो लोकसभा है उसकी 8 सीटों पर, जो उसकी 8 विधानसभा सीटें हैं उस पर वोटिंग जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लोगों से ज्यादा मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ चुनाव पर अमित शाह ने कहा है कि करप्शन के खिलाफ वोट करें, और ऐसे में क्या जनता का मूड है वो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन आज का दिन बहुत अहम। मिजोरम और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है, जिसमें 20 सीटों पर वोट डाला जा रहा है। देखिए, ये वो सीटें हैं जो नक्सल प्रभावित सीटें हैं, और यहां पर सुरक्षा को लेकर सुरक्षा कर्मियों को काफी मुस्तैद रहने की जरूरत होती है। किसी तरीके से कोई विघ्न ना डाले, शांतिपूर्ण मतदान हो, इसकी कोशिशें की जा रही हैं, और उसके लिए बड़े पैमाने पर प्रशासन की तैयारियां नजर आती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजनांदगांव से हिमांशु तिवारी जुड़ गए, और ये वो तीर है, वो सीट है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनावी मैदान में। हिमांशु, फिलहाल वोटिंग स्टार्ट हो गई है, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम राजनांदगांव में हैं, और जहां पर हम खड़े हुए हैं, जिस पोलिंग बूथ में हम खड़े हुए हैं, वहां से महज 1 किलोमीटर दूर राजनांदगांव के जो विधायक हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, वो रहते हैं। लेकिन फिलहाल यहां की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, यहां पर लंबी चौड़ी लाइन सुबह 8 बजे से लगना शुरू हो गई है, और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि यहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से जो है मुकाबला, 6 बार से विधायक यहां पर रमन सिंह है, लेकिन इस बार रमन सिंह के मुकाबले जो है गिरीश देवांगन यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का उत्साह देखिए कि सुबह 8 बजे से यहां पर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या फर्स्ट वोटर्स हो, वो यहां पर लगातार आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। इस बार आप लोगों का रुझान क्या है, आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा इस बार वोट डालने का? बेरोजगारों को रोजगार मिले। महिला सुरक्षा पर ठीक है, सब सुरक्षा, महिला सुरक्षा ठीक है। आपके लिए क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? सॉरी, क्या रहने वाला आपके लिए मुद्दा, कुछ कहना चाहेंगी? बेरोजगारों को रोजगार मिले। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे अम्मा जी? वही रोजगारी, अपना रोजगारी है। हाँ, और धान वान वाला सब विषय ठीक है? हाँ, धान तो हमारा, क्या कहेंगी? वही महिलाओं पर हो रही अत्याचार को रोकना जरूरी है, वही आपका मुद्दा है बहुत ज्यादा। हाँ, इसलिए वोट डालने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, बेरोजगारी तो है ही, लेकिन शिक्षा की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल जो शिक्षा की स्थिति है यहाँ बहुत ही बदतर है, तो उसको थोड़ा सुधारने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल हिमांशु, कुल मिलाकर अच्छी तस्वीर है यहाँ पर, लंबी महिलाओं की लाइन, अच्छी वोटर्स की लाइन, और इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने किया कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। आपका रुख फिर करेंगे, हमारे साथ गोविंद गुर्जर जुड़ गए जगदलपुर से। गोविंद, नक्सल प्रभावित इलाकों में जब भी मतदान होता है, सबसे पहली प्राथमिकता होती है सुरक्षित मतदान हो, फेयर मतदान हो, फिलहाल उसको लेकर क्या तैयारियां सुरक्षा बलों की नजर आ रही है? देखिए, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो हम महिलाओं की बात कर रहे थे, ना सिर्फ राजनांदगांव में महिलाओं के सशक्तिकरण की तस्वीर देखने को मिल रही, बल्कि हम देखें तो सुकमा और जो बस्तर रीजन है वहाँ इलाके में महिलाओं का अपना वर्चस्व देखने को मिल रहा है। वोटिंग की अगर बात की जाए, लंबी लाइन लगी हुई है महिलाओं की, पुरुषों से ज्यादा, और बड़ी बात यह कि इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव में महिलाओं की वोटर्स की जनसंख्या 91,000 ज्यादा है 20 विधानसभा सीटों पर, तो महिला वोटर्स ज्यादा है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं महिलाओं से ही बात करने की। मैडम, क्या मुद्दे हैं दिमाग में? शिक्षा, स्वास्थ्य में बदलाव की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, किस मुद्दों पे आप बोलती हैं? एजुकेशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बाकी और महिला सुरक्षा, नक्सल जो घटना होती है उन चीजों को लेके, उसके लिए तो बहुत जरूरी है सब चीज। मैडम, आप किन मुद्दों पे वाइट करने आए, मतलब वोट करने आए यहाँ पर, क्या दिमाग में चल रहा है? शिक्षा स्वास्थ्य और बेरोजगार युवाओं को, ये तो जरूरी है। तो सिस्टम जैसा चल रहा है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत है, बेशक बदलाव की जरूरत है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे दिमाग में चल रहे हैं? यहाँ तो सबसे बिल्कुल गोविंद, सबसे अच्छी बात जो हिमांशु दिखा रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, वो कहा जाता है ना कि जब वोटिंग हो तो पहले मतदान फिर जलपान, तो वो कम से कम इम्प्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया।